हमारे पास एक सिंपल है जो कि 10% फॉर्मलिन में इसे डिप किया गया है, ताकि इसमें जितने भी टिश्यू की फंक्शनिंग एक्टिविटी है वो सारा का सारा क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। और इसी चीज़ को अब हम मतलब फॉर्मलिन को रिमूव करने के लिए इसे हम वाटर से अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि सैंपल तो बड़ा था लेकिन हमने उसे कट करके एक छोटा सा सैंपल बना लिया और इसी को जो ना हमने वाटर में डिप करना और अच्छी तरह से मतलब हम इसे वाटर में डालेंगे ताकि इसमें जितनी भी फॉर्मलिन है वो रिमूव हो जाए। इसका मतलब हम क्योंकि आगे जो ना हमने इससे फॉर्मलिन को रिमूव करना है और इसे रिमूव करके क्योंकि हमने अल्कोहल में डालना है और इसी से मतलब जो फॉर्मलिन है उसे अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है कि इसे एक कैसेट, ठीक है, जैसे कैसेट में हमने क्या कर देना है, इसको डाल देना है। यही कैसेट है और इसी कैसेट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 4 सैंपल आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो ना एक ही सैंपल रखेंगे ताकि हम जो ना इसको इजीली फंक्शन परफॉर्म कर सकें। और इसके अलावा हम 4 इसलिए नहीं रखते क्योंकि हो सकता है कि ये जो सैंपल हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए हम एक ही सैंपल यूज़ करते हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं कि अपने सैंपल को सेंटर में रखते हैं ताकि इधर उधर हमारा सैंपल हल मतलब इधर उधर सैंपल ना हो जाए और अच्छी तरीके से सेंटर में अटैच्ड होके रहे। और उसके बाद जो ना हमने इसको अपने ये जो हमारा सैंपल है इसको हम क्या करेंगे कि 80% अल्कोहल में फॉर 1 आवर हम इसे डिप कर देंगे फॉर 1 आवर। और ये डिप करने के बाद हम मतलब इसको क्लोज़ कर देंगे क्योंकि अल्कोहल है। और उसके अलावा जो ना इसी प्रोसेस को हम 1 घंटे बाद दोबारा देखेंगे। तो आफ्टर 1 आवर जो हमारा सैंपल था जिसे हमने अल्कोहल 80% में रखा था, क्योंकि यहाँ हम जो ना बहुत ज़्यादा स्टेप्स कर रहे थे, तो इसमें हमने क्या किया कि एक प्रोसेस हमने पहले से भी कंटिन्यू किया हुआ था। जैसे कि देखें कि यहाँ 2 हमारे पास टिश्यू मतलब कैसेट्स हैं, इन्हीं को मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 80% में रखा था। अब 80 से फिर हमने 95 में रखने के बाद जो ना हम इसको नेक्स्ट 95 के बाद हम इसे एब्सोल्यूट अल्कोहल में लेके जाएंगे। एब्सोल्यूट अल्कोहल के हमारे पास 2 बॉक्सेस होंगे और हर बॉक्स में 1 आवर के लिए हम इसे रखेंगे। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल 1 में डालने के बाद 1 घंटा गुजरने के बाद अब हम उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल 2 में लेके जा रहे हैं, जहां हमने 1 आवर इसमें दोबारा मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल 2 में रखना है। अल्कोहल के जितने भी स्टेप्स हैं हमने 80, 95 और एब्सोल्यूट अल्कोहल हमारे पास मतलब इन सब में हम क्या करेंगे कि 1 आवर के लिए इसे डिप करेंगे। 1 घंटा हम इस एब्सोल्यूट अल्कोहल 2 में रखेंगे और एब्सोल्यूट अल्कोहल 2 में 1 घंटा रखने के बाद अब हम ज़ाइलीन में लेके जाएंगे। और ज़ाइलीन में हमें हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्सेस में ज़ाइलीन फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि 30 मिनट के लिए हम अपने सैंपल को डालेंगे 30 मिनट के लिए। अब इसका मकसद ये है, अल्कोहल का क्या काम था, डिहाइड्रेशन था कि टिश्यू से वाटर को रिमूव करवाना, लेकिन अगर फिर भी कोई मतलब वाटर बच गई है तो जो ज़ाइलीन है इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, तो वो ज़ाइलीन क्या करता है कि उसको रिमूव कर देता है, वाटर को रिमूव कर देता है। उसके बाद ज़ाइलीन 1 में 30 मिनट रखने के बाद हम इसको ज़ाइलीन 2 में 45 मिनट के लिए ले गए। 45 मिनट गुजरने के बाद हमारा जो पैराफिन था हमने उसको इनक्यूबेटर में रख दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए। पैराफिन सॉलिड फॉर्म में होता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो ना मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद हमारे जो स्टेनिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका था। अब उसी में हमने क्या करनी थी, एम्बेडिंग करनी थी। तो हमारे वो जो कैसेट्स थे उसे हम मेल्टेड पैराफिन में अच्छी तरह से मतलब डुबोएंगे। और एक तो पहली बात ये कि रूम टेम्परेचर पे पैराफिन जमना स्टार्ट हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो कैसेट्स हैं कैसेट्स के ऊपर पैराफिन जमना शुरू हो जाता है, तो हम अब कैसेट्स को अच्छी तरह से डिप करेंगे ताकि पैराफिन अंदर जाके टिश्यू स्लाइड को अच्छी तरह से कैप्चर कर सके, टिश्यू को अच्छी तरह से कैप्चर कर सके और उसको मतलब उसके साथ अच्छी तरीके से एम्बेड हो सके।
30 मिनट के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि जो पैराफिन है वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में आ जाए, मेल्टेड थी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। 30 मिनट रखने के बाद जो पैराफिन है वो कम्प्लीटली जो है ना सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद जो हमारे कैसेट्स हैं, हम अपने कैसेट्स को उधर पैराफिन से बाहर निकालेंगे और हमारा जो मतलब अंदर टिश्यू था उसके साथ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पैराफिन अटैच हुई पड़ी होगी। जैसे कि ये कैसेट है, कैसेट के अंदर जो पैराफिन है वो टिश्यू के साथ जो है ना कम्प्लीटली अटैच्ड हो गया है। अब इसी को हमने निकालना है, पैराफिन को टिश्यू, पैराफिन मिला टिश्यू जो है ना, टिश्यू मिला पैराफिन, तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और निकालने के बाद हम जो जो हमने मेल्टेड पैराफिन किया हुआ था उसमें इस टिश्यू को डालेंगे और उसके ऊपर मज़ीद जो है ना हम पैराफिन जो है ना हमने अपने एक मोल्ड में डाल लिए, सिंपल सा हमने बनाया हुआ था। जैसे कि हम सिंपल ज़्यादा यूज़ कर रहे थे तो हम इसी तरह से ज़्यादा मतलब उसमें मेल्टेड पैराफिन फॉर्म डालेंगे, पैराफिन डालेंगे। और उसके बाद जो है ना अब इन्हीं के अंदर हमारे जो सैंपल थे हम इन्हीं के अंदर अपना सैंपल इंसर्ट करेंगे। सैंपल इंसर्ट, जैसे कि हम सैंपल इंसर्ट करेंगे उसके बाद दोबारा मतलब इनके ऊपर दोबारा लिक्विड डाल देंगे, मतलब ये जो मेल्टेड पैराफिन था इसी को हम दोबारा मतलब डाल देंगे। जैसे कि अभी देखें कि जो ना हमारा ये जो सैंपल है इसको हमने मेल्टेड पैराफिन में इंसर्ट किए और इसके बाद ये सारे मतलब वन बाय वन हम इनको मतलब डाल रहे हैं आराम से। और उसके बाद ये जब हम तीनों डालेंगे, तीनों डालने के बाद जो ना इनके ऊपर दोबारा से मतलब मेल्टेड पैराफिन इनके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से ये होता है कि जो हमारा सैंपल होता है वो पैराफिन के साथ कम्प्लीटली चिपक जाता है, मिक्स हो जाता है, मतलब उसमें कोई दराड़ें शराड़ें नहीं पड़ती या अलग-अलग बाद में नहीं हो सकते, दे कम्प्लीटली जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं।